एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है स्माइल एंड अरुला एंड फैमिली। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी मौसी की शादी है, तो आज है शादी। हाँ। और आपको दिख रहा है कि हमने येलो सूट पहने हुए हैं, इसीलिए आज है हल्दी। पहले हल्दी है फिर शादी है, तो हल्दी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, सब रेडी हो चुके हैं। और अभी सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम हल्दी का फंक्शन स्टार्ट करेंगे और घरौली का फंक्शन भी है आज, और रात को फिर होगी शादी। तो आज के दिन का पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे, आप लोग एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। ब्रेकफास्ट में है आज आलू और मटर की सब्जी जो कि बहुत ही यम्मी लग रही है। यहाँ पे सैलेड है, पानी है और साथ में है गर्मा गर्म पूरियाँ। सभी ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं और समायरा के पापा यहाँ पे अपने लिए सीट ढूंढते हुए फाइनली सीट मिल गई है। और समायरा स्पून निकालने में बिजी है, इसको सब्जी खानी है। और समायरा के पापा की थाली, ब्रेकफास्ट थाली, यहाँ पे समायरा की नानी ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे हैं। सुमेरा कैसा टेस्ट है? बहुत अच्छा है, पर ये पूरी जो है ना बहुत क्रंची क्रंची है, पापड़ जैसी है ना। बट टेस्टी है ना सब्जी, टेस्टी है ना। बहुत टेस्टी है। तो घड़ोली भरने से पहले हमें घड़ोली खरीदनी पड़ती है, तो गुनगानान का परिवार यहाँ पे घड़ोली बेचने के लिए बैठ चुका है और बहुत ही महंगे दाम में ये बेच रहे हैं। और मुझे इनका प्राइस जो है वो बहुत महंगा लग रहा है, लेकिन क्या करें, बहन की शादी है, खरीदनी तो पड़ेगी, खरीदेंगे तो भरेंगे ना। घड़ोली भरने का जो व्लॉग है वो हम आपके लिए शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें खुद ही घड़ोली भरनी है, तो हम बिजी हो जाएंगे, स्मायरा भी, स्मायरा के पापा भी और मैं भी। तो इसकी जो फोटोज़ हैं वो आपको स्मायरा की इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगी, स्मायरा नरूला आईडी है। तो यहाँ पे हम सब हल्दी फंक्शन के लिए रेडी हो चुके हैं, अंदर सब कुछ डेकोरेशन भी हो चुकी है और गुन भी बैठ चुकी है। तो चलो अंदर चलते हैं और आपको डेकोरेशन दिखाते हैं और हल्दी का फंक्शन कैसे हो रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। हेलो हेलो। तो ये है आज की बैकड्रॉप येलो कलर की, जिस पे लिखा है हल्दी दुल्हनिया की, और अम्ब्रेलास भी लगाए हुए हैं डेकोरेशन में। स्टेयर्स के ग्रिल पे भी अम्ब्रेलास यूज किए हुए हैं और यहाँ पे गुन को हल्दी लगनी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए कितनी खुश है, यहाँ पे गुन की मम्मी भी आ चुकी हैं, अब सभी हल्दी लगाएंगे। हल्दी का फंक्शन ओवर हो चुका है और आते ही मैं खा रही हूँ लड्डू। टेस्टी है। यहाँ पे कलीरे गिराने की रस्म हो रही है, जिसके ऊपर कलीरा गिरेगा उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट किस पे गिरता है। अभी हो चुका है लंच टाइम, तो नानी अपने हाथों से स्मायरा को खाना खिलाती हुई, आज बने हैं कड़ी चावल, यमी। तो फ्रेंड्स, हम रेडी होकर रिजोर्ट के बाहर पहुंच चुके हैं और हमारा पूरा लुक आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ी देर में। तो अभी हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस टाइप का अरेंजमेंट अंदर है और रिजोर्ट कैसा लग रहा है और रिजोर्ट का नाम क्या है। तो ये है रिजोर्ट और रिजोर्ट का नाम है रॉयल किंग। एंटर करते ही स्मायरा की, गुन मासी और लक्ष्य मोसा जी की क्यूट सी पिक्चर, जो एंगेजमेंट भी हुई थी फाइनली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। तो ये देखिए रिजोर्ट के अंदर का व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये। तो चलो अंदर चलते हैं। तो ये है स्मायरा का फुल लुक और ये स्मायरा के पापा का लुक, तो दोनों कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में बताना मत भूलना। यहाँ पे सबसे पहले है मॉकटेल, वाटर, कोल्ड ड्रिंक,
सुमायरा ने ले लिया ठंड में कोक। नॉर्मल है, ठंडा नहीं है। चलो तो ये है फ्रूट्स की स्टॉल, देखिए कितने सारे फ्रूट्स हैं यहाँ पे। आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है कमेंट्स में बताओ। यहाँ पे आ चुके हैं स्नैक्स, जिसमें है मंचूरियन, स्प्रिंग रोल्स और भी बहुत कुछ है। तो सुमायरा ले रही है स्प्रिंग रोल्स। कौन सी मामी है ये? नाम में कंफ्यूजन हो जाती है। अच्छा ये कौन है? गोल्डी मामू, गोल्डी की मानसी। ये मानसी मामी सुमायरा बहुत कम मिलती है ना, पंजाब बहुत कम जाती है, इसीलिए नाम भूल जाती है। भूल जाती है ना, हो जाता है। तो अभी याद रहेगा कौन सी मामी है? मानसी मामी। तो ये सुमायरा के गोल्डी मामू और मानसी मामी है। बहुत मजा आया सुमायरा से मिलकर। यहाँ पे हम पी रहे हैं शेक, पता नहीं कौन सा शेक है लेकिन भाभी होने की बहुत टेस्टी है। ये है रिजोर्ट के अंदर का माहौल, कुछ गेस्ट आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं लेकिन बारात अभी तक नहीं आई है। ये है पाव भाजी की स्टॉल, पाव भाजी भैया ने रेडी कर दी है। और यहाँ पे है पापड़ी चाट, ये देखिए साथ में गोलगप्पे की स्टॉल। किसको पसंद है कमेंट करके बताओ। तो फ्रेंड ये है मेरी पाव भाजी। सुमायरा को पाव भाजी बहुत अच्छी लगती है, रात को भी इसने पाव भाजी खाई थी। गरम है, यम्मी है। मामी को नहीं खिलाओगे? अच्छा अच्छी होगी तो खिलाएंगे, है ना। थैंक यू। मामू भी आ गए, मामू को भी खिला दे। मामू देखो आपके लिए क्या लेकर आए, आलू वाली टिक्की। फाइनली बारात आ चुकी है और लड़के वाले अंदर एंटर कर चुके हैं, सभी नाच रहे हैं और लड़का अभी बाहर ही है। यहाँ पे मिलने की रस्म स्टार्ट हो चुकी है। इधर लक्ष्य के पापा हैं, उधर गुण के पापा हैं। तो ये मिलनियाँ जो होती हैं वो दोनों परिवार के रिश्तेदार आपस में करते हैं। तो सभी धीरे धीरे आएंगे और मिलनियों की रस्म निभाएंगे। अभी हम आए दुल्हन से मिलने और आपको भी मिलवाते हैं। तो शादी पे जो गेस्ट आए हैं उनमें से किसी ने सुमायरा को पहचान लिया है। उन्होंने सुमायरा को इंस्टा पे देखा, यूट्यूब पे देखा, आज फाइनली मिल भी लिया। तो यहाँ पे फोटोशूट हो रहा है, साथ में है नन्हे मुन्ने बच्चे, वो भी बहुत खुश हैं सुमायरा से मिलके। तो अभी हम जाएंगे रिबन की रस्म के लिए, दूल्हे की एंट्री हो चुकी है। मैम द्वारा खिलायो मैम।
वेट करो आप, मैं तिलक लगाओ तुम्हारा, तिलक लगाओ। हाँ जी स्वीट खिलाओ, ऐसे ही स्वीट खिलाओ, मैम बर्फी खिला दो आप जी, भैया आप भी खिला दो ऐसी मैम को। ठीक है जी, ओके जी। यहाँ पे इस वायरा के मामू की थार पे हो रही है मासी की एंट्री। अभी गुण स्टेज की तरफ जाती हुई और बहुत ही बेकरार है दूल्हे से मिलने के लिए। वो देखो इसकी खुशी देखो, साथ में सासू माँ भी है। यहाँ पे दुल्हन की परफॉर्मेंस हो रही है स्टेज पे जाने से पहले, देखो कितना अच्छा डांस कर रही है। लेकिन सॉन्ग हमने नहीं यूज़ किया है कॉपीराइट की वजह से, तो आप गेस करके बताओ कि कौन से गाने पर डांस कर रही है ये। फाइनली स्टेज के पास आ चुके हैं और दूल्हे राजा को बोला जा रहा है कि घूंघट हटाओ, और दूल्हे राजा बोल रहे हैं ये लड़की तो देखी देखी लग रही है। यहाँ पे शुरू हो चुकी है जयमाला की रस्म, और देखो कितना परेशान कर रहे हैं गुण को, ये देखो। और बहन भी लगी हुई है साथ में, लेकिन ये रस्म तो होके ही रहेगी। यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है स्माइरा की परफॉर्मेंस, और ये भी आपको स्माइरा की इंस्टाग्राम पे मिलेगी। इंस्टाग्राम आईडी है स्माइरा नरूला, आप सबको पता ही है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जिनको नहीं पता है आप जाकर फॉलो कीजिए, और जब भी हम ये डांस पोस्ट करेंगे तो आप अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। और यहाँ पे भी गेस करिए कि स्माइरा कौन से सॉन्ग पे डांस परफॉर्म कर रही है, और बिना गाने के आपको डांस कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हो रहा है कपल डांस, न्यू मैरिड कपल का बहुत ही सुंदर डांस है बिना प्रैक्टिस के। और दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। यहाँ इनका प्री वेडिंग शूट स्टार्ट हो चुका है, और सभी यहाँ पे शूट को एंजॉय करते हुए, ये देखिए। और ये शूट जो है वो जलंधर में ही हुआ था, सिर्फ एक दिन का शूट था, और बहुत ही अच्छा शूट है। अगर आपको चाहिए प्री वेडिंग शूट तो आप कमेंट्स में बताइए, हम पोस्ट करेंगे। अभी हो चुका है हमारा डिनर टाइम, और डिनर में क्या क्या है हम आपको दिखाते हैं। तो ये है सब सैलड की आइटम्स, पास्ता, ये कर्ड है, ये वाइट सैलड है, पीनट मसाला, वाइट पास्ता, इधर भी पास्ता है, और साथ में है कुकुम्बर का सैलड, और ये है चाट, आलू है, टमाटर है इसमें, और ये रेडिश का सैलड है। यहाँ पे है मसाले वाले अनियन, कितने स्पाइसी लग रहे हैं। यहाँ पे फिर से रेडिश आ गई, ये टमाटो का सैलेड है, और यहाँ पे फिर से टमाटोज हैं, ये है अनियन का सैलेड, सिंपल अनियन है, ये पिकल है, यहाँ पे स्वीट कॉर्न है, लेट्यूस है, टमाटो है, कुकुम्बर है, तो ये मिक्स सैलेड मान लेते हैं इसको। ये थी सैलेड की स्टॉल, और सब कुछ बहुत यमी लग रहा है, हम टेस्ट करेंगे। अभी चलते हैं डिनर की तरफ, स्माइरा के पापा पहले ही लगे हुए हैं अपने लिए सर्व करने। देखो ये है राइस स्टेशन, तो यहाँ पे हैं कौन से राइस हैं, ये नीचे लिखा होगा जीरा राइस, तो ये जीरा राइस हैं। और ये कौन से हैं, ये तो बहुत स्पाइसी लग रहे हैं, ये कौन से राइस हैं, अरे ये तो हैदराबादी बिरयानी है, साउथ इंडियन। और यहाँ पे है येलो दाल जो कि गर्म हो रही है, बहुत टेस्टी लग रही है, और ये है दाल का बाज़ार। ओके तो येलो दाल हमने देख ली है। यहाँ पे है दाल मखनी, ये भी बहुत यमी लग रही है, भूख लग गई मुझे तो। यहाँ पे पनीर बटर मसाला, वाओ कढ़ाई पनीर भी है, कढ़ाई पनीर वाओ सो यमी। और ये है अंगूरी मलाई कोफ्ता, ये कोफ्ता मुझे अच्छा नहीं लगता है बट हम टेस्ट करेंगे फिर भी। और ये है मेथी मलाई मटर, तो ये मेथी मलाई मटर किस किस ने खाए हुए हैं कमेंट्स करके बताइए, मैंने एक बार खाए थे लाइफ में। और यहाँ पे है मशरूम कॉर्न, ये देखिए स्वीट कॉर्न तो स्माइरा ही खाएगी। और ये है हींग धनिया, चटपटा आलू, और यहाँ पे चना मसाला है, ये भी बहुत स्पाइसी लग रहा है, यमी तो होता ही है। यहाँ पे बैंगन का भरता भी है, ये देखिए साथ में मटर है अंदर,
और ये है सरसों का साग। वाओ सो यमी। स्माइला के पापा तो जरूर खाएंगे इसे। गर्मा गर्म है, देखो धुआं निकल रहा है। और साथ में है गुड़, देसी घी और शक्कर। ये शक्कर है, ये घी है और ये है गुड़। तो मज़ा ही आ जाएगा आज तो। साथ में मक्की की रोटी भी है। अरे वाह, छोटी छोटी रोटियां हैं साथ में, देखो बहुत मज़ा आने वाला है आज तो खाना खाने में। मेरा तो दिल कर रहा है मक्की की रोटी खा लूँ बस साग के साथ। यहाँ पे चाइनीज वॉक है, ये है फ्राइड गार्लिक राइस। तो राइस की वैरायटी पहले भी थी और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे स्माइरा के मामू और मामी बैठ चुके हैं डिनर करने के लिए। और यहाँ पे स्माइरा नानी की कंपनी कर रही है, जब से यहाँ आई है नानी के साथ खाना खा रही है। और ये स्माइरा के पापा मक्की की रोटी और सरसों का साग खाते हुए, सो यमी। यहाँ स्टार्ट हो चुकी है फेरे की रसम और सुबह के 4 बज चुके हैं। बहुत ठंड है, सभी टायर्ड हो चुके हैं। तो फेरों की रसम के बाद गुण मासी की डोली चली जाएगी और वो हमसे बहुत 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 दूर चली जाएगी। और आपको बता देते हैं कि गुण मासी की शादी वैसे तो लोकल ही हुई है जलंधर में, लेकिन जो मौसा जी हैं वो रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन मासी अभी नहीं जाएगी, थोड़ा टाइम रुक के जाएगी। तो यहीं पे हम आज का ब्लॉग एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।